अरे भाभी, बड़े पापा, मामा जी, माँ, भाभी आ गई। कैसी हैं आप? वेलकम होम। आज सही मायने में हमारी बहू का गृह प्रवेश हुआ है। हाउ आर यू फीलिंग? ठीक हूँ माँ। सिर्फ ठीक हूँ से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें जल्दी से पूरी तरह 100% ठीक होना होगा। क्यों आलोक? बिल्कुल। बड़े पापा डोंट वरी, हम यूं भाभी को ठीक कर देंगे। क्यों माँ? वैसे माँ, आप अपने हाथों से बनी हुई स्पेशल पंजीरी भाभी को रोज खिलाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते इनके फेस से ये स्माइल कभी भी गायब हो। मुझे तो आप सबका प्यार ही ठीक कर देगा। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हाँ, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और इसीलिए अपनी आहुति देने चला था ये। सच में पापा, जोड़ियां नसीब से बनती हैं। पापा जानते हैं, आज हम बहुत खुश हैं। हमारा पूरा परिवार, इस परिवार का प्यार, सब हमारी नजरों के सामने। बस एक कमी है। कौन सी? अरे छोटी बड़ी हो गई, अभी इसकी भी शादी करा दो, इसका दूल्हा कहाँ है? क्या भाई, माँ देखिए ना भाई को। शौर्य, अपनी बहन को तंग मत करो, और इतनी जल्दी हम इसे नहीं जाने देने वाले। पहले हम खुद इसे जी भर के प्यार करना चाहते हैं। वैसे शौर्य, दिया, हम सबको भी कुछ तुमसे और दिया से चाहिए। क्या चाहिए? हुकुम करो माँ। हम दादी बनना चाहते हैं। और मैं बुआ। राइट राइट। और हम पर दादा, और आलोक पर मामा। वो एक्चुअली अब थोड़े थके तो ऊपर चले जाए माँ। हाँ हाँ भाई, जाओ कमरे में जाओ। अगर तुम दोनों कमरे में नहीं जाओगे तो हमारी ख्वाहिशें पूरी कैसे होंगी? जाओ बेटा, आराम करो। अरे आराम। काश आज इस खुशी के मौके पे आप यहां होती हम सब के साथ। अपनी जिद, अपनी नफरत की वजह से आप कहां से कहां चली गई।
तेरा आसमां, तू जहां मैं वहां, संग संग यूं चलो तेरे जैसे तेरा आसमां। टकराने दे दुखती हो कोई बात मुझ पे आने दे। दिल सोचता था कि कोई अपना हो, कोई राज ना हो जो उससे रखना हो। आंखें ना खोलूं मैं शायद सपना। बस अब बहुत हो गया बेटा, सुबह से लगी पड़ी हो तुम। अब आओ बैठो, हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करो। माँ आप टेंशन मत लीजिए, आई एम फाइन ना। आप जूस लेंगे? गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग शौर्य। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। अब शौर्य बेटा, आज तो 25 तारीख है ना? तुमने
पैकिंग वगैरह सब कर लिया ना बेटा? नहीं, लेकिन हो जाएगी, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे और वैसे भी बेसिक अरेंजमेंट तो वहां पे हो चुके हैं। फ्लाइट कितने बजे की है? लेट नाइट फ्लाइट है, 1:30। फ्लाइट? कैसी फ्लाइट? कहाँ की फ्लाइट? कहाँ जा रहे हैं आप? ओ, एक्चुअली इतना कुछ हो गया, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं यूके जा रहा हूँ आज रात को। यूके? इतनी दूर? I mean, यूके अचानक इस तरह क्यों? दिया, वहाँ की न्यूज़ एजेंसी आवाज़ के साथ में जॉइंट वेंचर करना चाहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मेरा जाना जरूरी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए। छह महीने? टेंशन मत लो, यहाँ पे सब लोग हैं और ऑफिस अच्छी को संभाल ही लेगा। हाँ बेटा, डोंट वरी, हम सब हैं यहाँ पे। हाँ, पर आप 6 महीनों के लिए जा रहे हैं? हाँ, सिर्फ 6 महीने। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, दिया, हम सब के लिए बहुत अच्छा है, इनफैक्ट आवाज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, जाना तो पड़ेगा। सर, आपने मुझे सर यू मीन शौर्य जी, जी रियली आई मीन आप शौर्य, आपने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? Don't act so innocent. यही कि आप इतने महीनों के लिए यूके जा रहे हैं। ओ, यूके वाली बात? हाँ, वही बात। इतनी बड़ी बात बताना आपको जरूरी नहीं लगा? I'm sorry यार, वो तुम ठीक नहीं थी ना, और मेरे भी माइंड से स्लिप हो गया। What do you mean by slip हो गया? इतनी बड़ी बात माइंड से स्लिप कैसे हो गई? ऐसी कौन सी बड़ी बात, और क्या फर्क पड़ता है मैं यार हूं या बाहर हूं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, या नहीं होगा? मैं क्यों खुश होंगी? खुश क्यों नहीं होंगी? ऑब्वियस है, तुम तो वो चाहती थी ना, वो डिवोर्स। तो अलग होना चाहती थी मुझसे, तो अच्छा है ना, मैं बाहर आऊंगा तो समझ लेना कि हो गए अलग। हो गए अलग? मैं डिवोर्स चाहती थी, वो तब की बात थी, और अब क्या चाहती? बोलो दी, अब क्या चाहती? अब नहीं चाहती। तो फिर अब क्या चाहते? बोलो थी, अब क्या चाहते? अब मैं, अब तुम, अब मैं आपको चाहती हूँ, अब मैं आपको चाहती हूँ। I mean,
अब मैं आपसे प्यार आई लव यू. दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का. सुनाई नहीं थी रास्ता मिल गया. क्या क्या कहा तुम? अब इसका नहीं कोई और कोई छोड़ तेरी ओर, 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 तेरी ओर. देखा शौर्य, हमने कहा था ना ये प्लान फेल हो ही नहीं सकता. राइट बड़े बाबा. दिया हैरान हो ना तुम? भाभी ये सिर्फ सरप्राइज था, भैया कहीं नहीं जा रहे. ये तो बस आपके दिल की बात जुबान पे लाने के लिए था. Oh my God. तो ये सब आप थी ना? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बड़े पापा का प्लान था. सॉरी बेटा, लेकिन ये जरूरी था. तुम दोनों एक दूसरे से इतना गहरा प्यार करते हो, लेकिन घर में दो अजनबियों की तरह रह रहे थे भाई, हमसे तो देखा नहीं जा रहा था. हाँ बेटा, पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत सारे रिश्तों को जोड़ता है. पति पत्नी की खुशी इन रिश्तों में खुशियां भर देती है. पति पत्नी की समझ समाज बनाती है. और अब आप दोनों को अपने प्यार से सारे रिश्तों में प्यार भर देना है. चलो चलो, अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ. इस साल गणपति बापा ढेर सारी खुशियां लेकर आए. हमारी खुशियां बरकरार रहे, तुम दोनों का प्यार बना रहे, इसलिए हमने घर में शांति पूजा हवन रखवाया है. और तुम दोनों को ही तो करनी है पूजा. अब से इस घर में सिर्फ सुख शांति रहेगी, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, कोई बाधा नहीं. मैं May God bless my family.